दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव. टुडे आई विल स्टडी अबाउट सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 10th चैप्टर विशिखानु प्रवेशनीय अध्याय. तो इसके पहले योग्या सूत्री अध्याय पढ़ा हमने. तो योग्या सूत्री अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने पहले ही क्लियर कर दिया कि जब भी आपको चिकित्सा में प्रवेश करने हैं तो उसके पहले आपको क्या है, प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास आना चाहिए. तो उस योग्या सूत्रीय अध्याय के बाद में विशिखानु प्रवेशनीय अध्याय आचार्य सुश्रुत बताते हैं. तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए कि विशिखानु प्रवेशनीय का मतलब क्या होता है. विशिखानु प्रवेशनीय का अर्थ होता है कि आप किस कर्म मार्ग में प्रवृत्त होंगे. कर्म मार्ग का अर्थ होता है कि चिकित्सा के लिए या शल्य कर्म करने के लिए जब आप प्रवृत्त होते हैं तो उसको कहते हैं विशिखानु प्रवेश. जैसे कि हमने शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है जो संस्कार पढ़ा था तो वो था उपनयन संस्कार. अब जब ट्रीटमेंट के लिए जो है प्रयुक्त तो होता है जो वैद्य है तो उसे कहा जाता है विशिखानु प्रवेश. तो जैसे कि इसके बाद में इन्होंने कहा रखा है कि जैसे कि वाइट एफ्रन पहनते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे आपका शुक्ल वस्त्र ही पहनकर उन्होंने विशिखा में प्रवेश करने के लिए बताया है. तो इतनी सी चीज़, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से अराइज नहीं होते हैं, बट कुछ चीज़ों को अपन यहाँ पे ध्यान रख लेते हैं. नेक्स्ट पेज में देखो, तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से आता है हर बार, कि जो सुश्रुत हैं उन्होंने रोगी की परीक्षा करने के लिए 6 विज्ञान उपाय जो है बताए हैं. तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि सर्वविधि रोगानाम विज्ञान उपाय. तो ये रेफरेंस कहाँ का है, तो जो सुश्रुत ने 6 रोगों के ज्ञान करने का उपाय बताया है. अब ये जो 6 उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, तो पंचमी शोत आदि भी, मतलब 5 तो इंद्रिय के हो गए और 1 है प्रश्न. तो इस तरीके से 6 उपाय जो हैं वो रोगों की परीक्षा के लिए कौन बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत. तो ये देखना कि ये जो है रोग ज्ञान के उपाय हैं ये, ठीक है, ये क्लियर हो गया. फिर इसका क्रॉस रेफरेंस ध्यान रखो. तो चरक जो है वो 10वीं परीक्षा बताते हैं आतुर की, त्रिविध परीक्षा भी बताते हैं आचार्य चरक और वाग्भट. इसी तरीके से चतुर्विध परीक्षा का उल्लेख है भाव प्रकाश में और अष्टविध परीक्षा का उल्लेख है योग रत्नाकर में. तो ये चीज़ क्लियर रखना कि षड्विध, दसविध, त्रिविध, चतुर्विध और अष्टविध ये किस किस आचार्यों ने बताए हैं. अब जैसे कि अपन देखें कि स्पर्श इंद्रिय से अपन जो है शीत, उष्ण, संलक्षण एक्सेट्रा का स्पर्श करके हम जो है परीक्षा कर सकते हैं. तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि देखो चक्षु इंद्रिय के द्वारा परीक्षा बताई गई है शरीर के उपचय, अपचय की, आयु के लक्षण की, बल, वर्ण, विकार. तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका आयु का लक्षण. तो आयु के लक्षण से आपका जो है क्वेश्चन आता है, तो हमें ये पता नहीं रहता है कि आयु के जो लक्षण है परीक्षा हम किससे करेंगे. तो ये जो है चक्षु इंद्रिय के केस में आए हैं, ये आप ध्यान में रखना. फिर रसन इंद्रिय से मिली प्रमेह आदि की, रस विशेष की परीक्षा करते हैं. फिर घ्राणेन्द्रिय का, जैसे कि अरिष्ट लिंग है तो अरिष्ट में स्पेशली जो गंध है वो उत्पन्न हो जाती है शरीर के अंदर, तो वो चीज़ जो है घ्राणेन्द्रिय के अंतर्गत आता है, ठीक है. व्रण इत्यादि की जो परीक्षा की जाती है वो स्पेशली गंध से की जाती है. तो ये अरिष्ट लिंग आदि की जो परीक्षा होती है वो घ्राणेन्द्रिय से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है. फिर देखो कि जैसे कि अंतर अग्नि का बल है, तो ये हम प्रश्न से जानते हैं कि क्या सातम में है, किस तरीके से वातमूत्र पुरुष की प्रवृत्ति होती है शरीर के अंदर रोगी के. तो ये सब जो भी परीक्षा की जाती है वो प्रश्न के द्वारा की जाती है. यहाँ पे कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान रखना कि जैसे आयु का लक्षण है वो चक्षु इंद्रिय में आता है, अरिष्ट लिंग घ्राणेन्द्रिय में आता है, अंतर अग्नि का जो बल है वो क्या है, का बल जो है वो प्रश्न के द्वारा परीक्षित भाव है. क्लियर. तो यहाँ से आपके 3-4 ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बट आपको इनको क्लियर रखना है. फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं. तो अगर जो चिकित्सक है वो ठीक तरीके से परीक्षण नहीं कर पाता है तो उसके पीछे जो सुश्रुत हैं वो 3 कारण बताते हैं. तो मिथ्या दृष्टि के 3 कारण कौन से हैं, पहला एक तो है आपका दुराख्याता. दुराख्याता मतलब ठीक से परीक्षा नहीं की गई है. दूसरा जो कारण है वो दुष्ट परिमृष्टाश्च,
मतलब सगे संबंधी जो है उन्होंने उसकी सही तरीके से जानकारी नहीं दी है, या जो चिकित्सक है वो उपयुक्त रूप से विचार नहीं कर रहा है, मोह को प्राप्त हो जाता है वो, तो इन तीन कारणों से चिकित्सक जो है वो मिथ्या दृष्ट कर लेते हैं। तो ये तीन कारणों को आपको जो है मेनली यहाँ से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको परीक्षा करके साध्यान साध्येत याप्यान याप्येत असाध्येन न उपक्रमेत, जो आपका साध्य रोग है उनकी साध्य चिकित्सा करना चाहिए, याप रोगों का मेनली यापन करना चाहिए, लेकिन असाध्य रोगों का उपक्रम नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इन्होंने क्या है असाध्य रोगों के उपक्रम करने के लिए मना कर दिए हैं। फिर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुश्रुत जो है वो परिसंवत उत्सेतार विकारम प्रायशो वर्जयेत, तो वो लिखते हैं कि एक साल के बाद में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं वो प्राय करके वर्जित होते हैं, तो वो जो है वो करीब करीब क्या है असाध्य हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक साल के बाद में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं वो प्राय करके वर्जित होते हैं, तो वो करीब करीब असाध्य हो जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि किस आचार्य ने एक साल पुराने रोग को असाध्य बोला है, दैट इज सुश्रुत। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो साध्य असाध्य यहाँ पे आपके रोग बताए गए हैं उसमें से कुछ जो आपके प्राय साध्य व्याधि जो होती हैं वो क्या है दुष्चिकित्सकीय होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जैसे कि श्रोत्रिय जो वेद पाठी होते हैं, फिर आपका बोला गया है नृपतिति जो राजा होते हैं, स्त्री बाल वृद्ध भीरु राजा का सेवक जो द्रुतकार है दुर्बल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जो वेद पाठी क्यों, क्योंकि वो जो है नित्य स्नान आदि जो नियम है उसका पालन करते हैं, राजा जो होते हैं वो क्षणिक विचार करते हैं, स्त्री जो होती है वो परतंत्र होती है, तो द्रुतकार एक्सेट्रा यहाँ पे बताए गए हैं। तो इनको जो रोग होते हैं वो क्या है कृच्छ साध्य होते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम्पल में ये पूछ लेते हैं कि किनके रोग जो है कृच्छ साध्य होते हैं, अगर इनके जो रोग हैं उनको बिना विचार करे आप साध्य मान करके चिकित्सा करोगे, तो चिकित्सा करने पर अगर इनका जो है तो उस कंडीशन में आपका धर्म अर्थ काम एसांश अप्राप्नोति, मतलब इस तरीके से चिकित्सा की जाए कि जो साध्य है उनकी साधना की जाए, जिन लोगों के जो रोग हैं वो कृच्छ साध्य हैं उसी तरीके से ट्रीट की जाए, तो पहले से माइंड में ये चीज़ें जो है उपलब्ध रहेगी, तो आप क्या है धर्म अर्थ काम यश की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे किसकी प्रशस्ति बताई गई है। तो अगर आप क्या है ठीक तरीके से रोगी की परीक्षा करते हैं उसके बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे सुश्रुत जी जो है वो लिखते हैं कि लिखे हैं कि स्त्री भी सहास्यम सवाशम परिहासस्य वर्जयेत दत्तच्च ताभ्यो नादेय अन्न दन्य विषक भरे। तो स्त्रियों के साथ में हास्य वाशन करना, परिहास करना और उनके द्वारा दी गई जो वस्तु है उनका भिषक को त्याग कर देना चाहिए, उनको लेना नहीं चाहिए। तो ये जो है आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, उस जमाने का कॉन्सेप्ट है। उस दौरान क्या होता था कि स्त्री को परतंत्र वृत्ति की पहले ही बोल दिया गया है, तो वहाँ पे क्या करते थे स्त्री को सहारा बनाते थे लोगों को मॉडिफाई करने के लिए या वैद्य को मॉडिफाई करने के लिए। तो इस तरीके का जो कथन है यहाँ पे आया है, तो इसको जो बोले अपन जो है फीमेल के अपोजिट में नहीं लेना है, बस आपको इस तरीके का जो रेफरेंस जो आया है उसको आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का रेफरेंस आपको सुश्रुत के अंतर्गत देखने को मिलता है, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट इसको आपको दिमाग में रखना है ये चीज़। तो इसी के साथ साथ ये जो दसम अध्याय है विषखानु प्रवेशनीय जो अध्याय है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। मेनली जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है षड्विध आतुर परीक्षा कौन कौन सी है और उसमें कौन कौन सी परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है और किसका ज्ञान हम किस तरीके के इंद्रिय की परीक्षा से करते हैं। तो इसी के साथ में ये वाला जो आपका टॉपिक है, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसके आगे देखेंगे। ओके ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।